हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज नई वीडियो के साथ, नई अनबॉक्सिंग के साथ और नए एक प्रोडक्ट के साथ हम आ चुके हैं इस डेल के लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करने। पहली बार मैं डेल का लैपटॉप अनबॉक्स करूंगा, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है मेरा। आप लोग फटाफट कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जल्दी से कर दो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि नए नए कंटेंट, नए नए प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग होती रहती है। तो पहले तो जो डब्बा है उस पर डेल लिखा है UN3481, ठीक है। और पीछे भी कुछ ये और थोड़े स्पेक्स दे रखे हैं इसके, साइड से ऐसा है, यहाँ पे भी स्टिकर्स वगैरह, ये साइड बिल्कुल प्लेन, इधर इंटेल इनसाइड लिखा हुआ है। तो फटाफट हम अनबॉक्सिंग करते हैं। और इसका मॉडल है डेल लैटिट्यूड 3420, ठीक है। तो अनबॉक्स करके देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है थोड़ी पुस्तिकाएं जो हम बिल्कुल नहीं पढ़ते। इस पे लैटिट्यूड 3420 लिखा हुआ है, ये कोई भी नहीं पढ़ता, फालतू ऐसे ही देते हैं। ये एक अडैप्टर पावर वाला, ये एक वो पावर अडैप्टर, वो केबल है, ये पावर अडैप्टर है और ये अडैप्टर है 65 वाट का। और कंपनी कह रही है 1 घंटे में ये 0 to 80 हो जाएगा लैपटॉप इस अडैप्टर से। तो इसे भी रखते हैं साइड में, इस चीज को थोड़ा दूर कर लेते हैं। अंदर दो छेद दे रखे हैं ऐसे, अब इसे निकालते हैं, देखते हैं अंदर क्या होता है। ये तो बाहर आ गया, अंदर कुछ ऐसा सा दे रखा है, इसे भी निकालते हैं। कौन करता है इतनी खतरनाक पैकिंग भाई। तो ये कुछ प्रोटेक्शन है लैपटॉप को सेफ रखने के लिए, जो कि अंडे के ट्रे जैसा मटेरियल लगा है। अब हमारे पास लैपटॉप आ जाता है गाइस, इसे भी निकाल लेते हैं। 14 इंचेस वाला ये, और अंदर और कुछ भी नहीं है, एक और अंडे की ट्रे है जो कि हम नहीं निकालेंगे। इसे भी रखते हैं साइड में और इन दो सामान को तो यहां देते हैं, पुस्तकें कोई भी नहीं। तो गाइस ये हमारा लैपटॉप है 14 इंचेस वाला, ठीक है। अब इसको देखते हैं खोल के कैसा डिजाइन है, लग तो काफी मेरे को स्लीक सा रहा है, ठीक है। तो फटाफट से निकालते हैं, देखो तो इस साइड से लैपटॉप आ जाता है हमारे। इस पन्नी को भी रखते हैं साइड में, लाइटवेट है और साइड से कुछ ऐसा है। विंडोज 10 प्रो है इसमें। अब फटाफट इसे खोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं विंडोज चलाऊंगा आज, ठीक है। मैंने विंडोज कभी नहीं चलाया, आज फर्स्ट टाइम मैं विंडोज ट्राई करता हूं। तो इसे रिमूव करते हैं। काफी सही लग रहा है देखने में। तो बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है इसकी, प्लास्टिक है यहाँ पे, बैक में भी प्लास्टिक सा मटेरियल लग रहा है। अब फटाफट इसे ऑन करते हैं, मैं सेटअप करता हूं उसके बाद दिखाता हूं। और डिस्प्ले काफी मेरे को सही लग रहा है देखने में, वैसे बता दूं 2K डिस्प्ले इसका। अब इसको सेटअप करता हूं, फिर आगे की बातें करते हैं। तो भाई अगर अब हम बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इंटेल कोर i3 इसमें 11 जनरेशन आती है, LDDR4 रैम है और 8GB इसमें रैम है और 256GB SSD है इसमें। और डिस्प्ले HD डिस्प्ले इसका, बाकी मैं आपको अभी दिखाता हूँ रिजोल्यूशन कैसा है। HD डिस्प्ले है और साइड बाय साइड मैं एप्पल से भी कंपेयर करता हूँ इसको मैकबुक एयर से। तो अभी दिखाता हूँ आपको कंपेरिजन, उससे पहले थोड़ी सी और बातें कर लें। तो बैकलाइट इसकी सिर्फ एक तो कैप्स लॉक में है बैकलाइट, और पावर बटन में, और पूरे कीबोर्ड में बैकलाइट इसके नहीं
है, ठीक है। और विंडोज 11 अब जब मैंने अभी सेटअप करा तो विंडोज 11 का अपडेट आ गया था इसके अंदर, और स्पीकर्स भी इसके मेरे को ठीक लगे। इसका प्राइस अराउंड 60,000 के अबव ही है, 60-65 के आसपास का है ये। और वेट की बात करें तो 1.52 केजी इसका वेट है और 220 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस है। मतलब भाई मन करे धूप में बैठने का तो तुम नहीं बैठ पाओगे, इंडोर ही सही रहेगा। और इसका 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है डिस्प्ले का। और अभी तक मैंने थोड़ा यूज करा तो बैटरी तो काफी जल्दी भर गई, सीरियसली गाइस काफी जल्दी बैटरी भर गई इसकी, और चलने में भी स्मूथ है। और बाकी अभी आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ, वैसे भी कंपैरिजन नहीं बनता उसका लेकिन करके दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैकबुक एयर है, यहाँ पे अपना डेल का लैपटॉप है। अब दोनों की आवाज देखते हैं और आप डिस्प्ले भी चेक कर लो, अगर आप नॉर्मल वीडियो देखोगे तो किसके में ज्यादा क्लैरिटी आती है, और बाकी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप सुनते हैं गाना, ठीक है, अब देखना आवाज किसके में ज्यादा आ रही है। तो पहले हम चलाते हैं डेल वाले की आवाज। तो भाई यहाँ पे डेल की बंद कर दी आवाज। अब हम स्टार्ट करते हैं मैकबुक की। वापस एक बार डेल की सुन लो। तो भाई ये थी साउंड क्वालिटी। अब मैं आपको बता दूं जो साउंड क्वालिटी है मुझे किसकी ज्यादा बेटर लगी और किसकी किसकी बेकार। तो डेल वाले की साउंड थोड़ी ना मतलब क्लियर नहीं आ रही थी, और जो मैकबुक है इसकी आवाज थोड़ी क्लियर आ रही थी लेकिन थोड़ी कम आ रही थी, लेकिन आज काफी क्लियर रही थी। और इसके आवाज में ना ऐसा लग रहा था कि इको कर रही है अंदर ही अंदर, मतलब एक ना एरिया में पैक होकर दब सी रही आवाज। कहने का मतलब ये, मतलब ऐसा लग रहा है इसकी एक तो बॉडी भी ऐसी है तो क्या पता उसकी वजह से हो। लेकिन आवाज अगर मैं बात करूँ लाउडनेस की तो लाउडनेस इसकी अच्छी है, और अगर क्लैरिटी क्लैरिटी कह रहा हूँ हाँ आवाज की क्लैरिटी की बात करूँ तो क्लैरिटी इसकी अच्छी है। और अब डिस्प्ले की बात करूँ तो भाई इसका कंट्रास्ट ओवर है और इसका काफी सही है इसके हिसाब से, और कंट्रास्ट काफी ओवर है। आपने देखा होगा जो चीज मतलब आपकी येलो है वो और ज्यादा येलो हो रही है, कंट्रास्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो डिस्प्ले में भी हमारा ये वाला जीत जाता है, साउंड में वो आपकी मर्जी लाउडनेस चाहिए या थोड़ी आवाज बढ़िया सी चाहिए तो आपकी मर्जी है। बाकी अब अगर हम ये इंटेल कोर i5 है, ये इंटेल कोर i3 है, और परफॉर्मेंस इसकी मैं बात करूं, मैंने थोड़ी देर ही चलाया, नॉर्मल ब्राउजिंग करते वक्त भी काफी हीट हो गया था ये, काफी तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ मतलब हीट हो गया था। और इसका फैन भी काफी जल्दी चालू हो रहा था, बंद हो रहा था, चालू हो रहा था, बंद हो रहा था, और इसको काफी देर यूज करने के बाद हैवी टास्क करने के बाद जाके इसका फैन स्टार्ट होता है, इसका मतलब काफी ज्यादा जल्दी जल्दी हो गया था। तो भाई इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है,
फेस आईडी भी नहीं है, ठीक है, अभी ऐसे दिखा रहा है अवेलेबल नहीं है, मतलब इस वाले में मॉडल में अवेलेबल नहीं है, जो इसके बाकी लैपटॉप है इसी के थोड़ा ऊपर प्राइस पॉइंट पे उनमें होएगा। और बात करें तो भाई सही है, आप नॉर्मल यूज टास्क वगैरह कर सकते हो, लेकिन एडिटिंग, अगर आप एडिटिंग की बात करो तो एडिटिंग के लिए मैं नहीं रेकमेंड करूंगा, नॉर्मल वेब ब्राउजिंग या बाकी थोड़ा सा आपको काम करना है, क्लासेस वगैरह लेनी है या फिर ऑफिस का थोड़ा काम करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हैवी टास्क करने हैं ना इसके, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एडिटिंग करोगे आप फिर तो हीट भी हो जाएगा, ऊपर से परफॉर्मेंस डाउन भी हो जाएगी। मैंने ब्राउजिंग करी तो उसमें थोड़ा सा लैगी फील हुआ मुझे, ठीक है, बाकी तो नॉर्मल टास्क तो आराम से कर लेगा ये, डिस्प्ले भी इसका मतलब ठीक है। तो भाई मैं कलर की बात होता हूँ, कैमरा में तो काला आ रहा हूँ, यहाँ पे गोरा हो गया, आप मुझे गोरा देख रहे हो, उधर मैं काला हूँ, वैसे जो आप फोन में देख रहे हो वो सही है, इधर ये लैपटॉप मुझे काला दिखा रहा है और काफी ओवर शार्पेंड भी है, फट भी रही है, क्लैरिटी भी ठीक ठाक ही है, लेकिन भाई काला क्यों दिखा रही है ये, मैं तो इतना गोरा हूं, जो आप देख रहे हो ये असली है, वो वाला नकली है, नकली है बिल्कुल, बंदी कर दो तो भाई बंदी कर दो तो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो भाई पोर्ट्स के बारे में एक बार बता देता हूँ आपको, ये चार्जिंग के लिए यहाँ पे एक लाइट दे रखी है, ये HDMI पोर्ट, ये USB और एक टाइप सी दे रखी है इधर की साइड पे टाइप सी, और अगर इधर की बात करें तो इधर ये है शायद थंडरबोल्ट कहते हैं इसे, पता नहीं मुझे, ये फालतू है, ये शायद थंडरबोल्ट है, ये है आपका USB, ये भी USB, और ये आपका ऑक्स है, और ये आपका SD कार्ड स्लॉट, ठीक है, तो ये आपको काफी सारे स्लॉट दे रखे हैं। और अब नीचे की बात, और पहले हिंज इसके ऐसे ही दिखा देता हूँ, हिंज मतलब ठीक है ना, ज्यादा ढीला है ना ज्यादा टाइट है, और काफी स्मूथली जा भी रहा है। बैक साइड में कुछ नहीं, लैटिट्यूड की बैजिंग हो रखी है, यहाँ पे पंखा दे रखा है थोड़ा वेंटिलेशन के लिए, यहाँ जगह दे रखी है, ये देखो पंखा दिखाता हूँ, ये रहा इधर है इसका, ये रहा पंखा, बाकी अंदर और भी वो होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ऐसी नई नई चीजों की अनबॉक्सिंग, अलग अलग कंटेंट हमारे चैनल पे आते रहते हैं। और भाई अगर किसी भी आपको प्रोडक्ट के बारे में जानना हो, ऐसे जैसे लैपटॉप है या फिर कुछ भी इसके बारे में या और किसी चीज के बारे में, तो मुझे बता देना, कमेंट में कर देना, ठीक है, मैं आपको पक्का बताऊंगा।